मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। हालांकि एबीपी न्यूज इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, एजेंसियां पोस्ट की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है जिसमें दावा किया गया कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। हालांकि जो पोस्ट वायरल है सोशल मीडिया पर, उसकी एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता, एजेंसियां पोस्ट की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, ये कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कल हत्या को अंजाम दिया गया, उसके बाद तमाम एंगल से टीमें लगातार जांच कर रही हैं, इस बीच में बड़ी खबर। और चलिए मृत्युंजय, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, शुरुआती दौर से ये कहा जा रहा था, जब से आरोपियों को पकड़ा गया था, कि कहीं ना कहीं जो इनका लिंक है वो बिश्नोई गैंग से है। अब ये पोस्ट जब सामने आ गया है तो क्या सच्चाई है इस पोस्ट के पीछे? निश्चित तौर पर देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऐसे काम पहले करता रहा है और करने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपने प्रचार प्रसार करता रहा है। लेकिन जब भी इस प्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट होते थे तो हमेशा लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार गैंग के बड़े सदस्य के हैंडल से ये पोस्ट होते थे। हम हमेशा देखते थे कि चाहे अनमोल बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो, या इनके गैंग का कोई बड़ा मजबूत सदस्य हो, उसके हैंडल से इस प्रकार का क्लेम आता था कि ये जो हमला हुआ है हमने कराया है या इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। लेकिन यहां पर एक जिस प्रकार का नाम है शुभू लोंकार महाराष्ट्र, ये अटपटा सा एक नाम का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं एक क्लेम तो किया जा रहा है पर उसके पीछे बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे पर सवाल उठता है कि क्या वाकई में ये पोस्ट सच है या फिर किसी ने ये गुमराह करने की कोशिश की है या फिर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल पता लगाने के लिए इसका आईपी एड्रेस, इस प्रोफाइल की जांच कर रही है, इसका आईपी एड्रेस निकालने की कोशिश कर रही है और ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये पोस्ट कहां से किया गया है और पोस्ट करने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन आमतौर पर जो पिछले पोस्ट हमेशा से रहे हैं वो सदस्य गैंग के बड़े सदस्यों के हैंडल से रहते थे। इस व्यक्ति का नाम कभी किसी ने सुना नहीं। एक फर्जी आईडी क्रिएट करके इस प्रकार का मैसेज लिखा गया है जिसमें सलमान खान का दोस्त होने की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसी बात कही गई है, पर इसकी सत्यता की जांच मुंबई पुलिस कर रही है।